नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ईवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर सियासत गर्मा रही है। यहां सावरकर को महान बताते हुए शिवसेना के दोनों खेमे लगातार बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के सीधे निशाने पर आ गए हैं। उद्धव की कांग्रेस से चल रही नजदीकी पर बीजेपी उन पर भी हमलावर है। इसी बीच बीजेपी ने सावरकर यात्रा निकालने की घोषणा कर महाविकास अघाड़ी को घेरने की पूरी योजना बना ली है। भाजपा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रसाद लाड ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर हे देशाचे अभिमान होते, स्वाभिमान होते, हिंदुत्वाची एक जान होते। ज्यांनी स्वतः संघर्ष करून 14 वर्ष काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली आणि ह्या स्वातंत्र्यामध्ये त्यांचं मोठं योगदान होतं। मराठी भाषेला स्वाभिमान कसा मिळेल त्यासाठी सावरकरांनी संघर्ष केला। त्या सावरकरांचा सातत्याने राहुल गांधी अपमान करतात, तो अपमान आम्ही सहन करणार नाही। आणि आम्ही राहुल गांधीला या माध्यमातून आव्हान देखील केलं होतं। मी तर स्वतः झोडे मारले होते, परंतु ज्या शिवसेना प्रमुखांनी सावरकरांबद्दल बोललं म्हणून काँग्रेसच्या एका नेत्याला चप्पल मारली होती, ती आठवण आता पुन्हा आम्ही एकदा करून देतो। आणि सावरकरांचा इतिहास, सावरकरांचं जाज्वल्य हिंदुत्व आणि सावरकरांचं केलेलं कार्य हे लोकांपर्यंत पोहोचायसाठी महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभामध्ये सावरकरांच्या कार्याची यात्रा आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर 30 मार्चपासून 6 एप्रिलपर्यंत करणार आहोत। मला वाटतं प्रत्येक हिंदू नागरिक, प्रत्येक देशभक्त यामध्ये सहभागी होईल, त्याचा आम्हाला आनंद आहे। एवी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे एवी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।